पार्ट एक और पार्ट दो पढ़ चुके ना बच्चों। पार्ट तीन क्या है? छोटे ए की मात्रा। पार्ट तीन क्या है बच्चों? छोटे ए की मात्रा क्या है? पार्ट तीन दिन निकला। क्या है बच्चों? दिन निकला। ना तो छोटे ए की मात्रा दी न दिन, ना तो छोटे ए की मात्रा नी क, ला को आ की मात्रा ला निकला। क्या है बच्चों? दिन निकला। छोटे ए की मात्रा। अब छोटे ए की मात्रा के अक्षर सिखाई ना बच्चों आपको, कैसा लिखना है छोटे ए की मात्रा? हाँ, आपको लिखे ना बच्चों, गाकु छोटे की मात्रा की, गाकु छोटे की मात्रा गी, टाकु छोटे की मात्रा टी, लिखाई ना बच्चों। आज अपन पाठ भी आपको समझाई में है। पाठ क्या है बच्चों? दिन निकला। पेड़ है, पेड़ पे घोंसला है चिड़िया का, घोंसले में चिड़िये है, दो चिड़िये के दो बच्चे है, और पहाड़ है, सूरज है, पक्षी है, और एक लड़का है गिटार बजाते हुए है, और यहाँ पर एक तालाब नदी है, इसके अंदर कमल खिले हुए है। देखो, दिन निकला रवि आया, किराना कमल खिला, चिड़िया तिनका तिनका ला, लाकर अपना घर बना, नदिया तट तक बहकर आ, शिवमा गिटार बजा। आपको ई की मात्रा वाले अक्षर समझाए बच्चों, आपको अभी ये पाठ लिख के दिखाती बच्चों, आपको ये पाठ कैसा पढ़ना है मात्रा के साथ। अभी मैं आपको एक 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 अक्षर आपको बोर्ड पे लिखाती बच्चों, कैसे पढ़ना है आपको, दिन कैसे पढ़ना है, निकल कैसे पढ़ना है, रवि कैसे पढ़ना है, आया कैसे पढ़ना है, ऐसे आपको मैं लिखा कर पढ़ाती बच्चों। देखो, पहले क्या है बच्चों? दकु ई की मात्रा, दकु छोटे ई की मात्रा दी न दिन, ना तो छोटे ई की मात्रा नी क, ला को आ की मात्रा ला, क्या हो गया? दिन निकला। रा वा, वा को ई की मात्रा वी, रवि आ, या को आ की मात्रा या, क्या हो गया? दिन निकला रवि आया। का को छोटे ई की मात्रा की, रा ना, क्या हो गया? किरण आ, क्या हो गया बच्चों? किरण आ। क म ल कमल, खाकुई की मात्रा खी, लकवा की मात्रा ल खिला, किरण आ कमल खिला। चाकु छोटे की मात्रा ची, डाकु छोटे की मात्रा डी, यकवा की मात्रा य, क्या हो गया? चिड़िया। ताकुई की मात्रा ती न, काकुआ की मात्रा ख, तिनका। ताकुई की मात्रा ती न, काकुआ की मात्रा का, तिनका तिनका। लकुआ की मात्रा ल, क्या हो गया? तिनका तिनका ला ला। लकुआ की मात्रा ल क र, लाकर आ पा, नकुआ की मात्रा न अपना घ र घर, बा नकुआ की मात्रा न, क्या हो गया? लाकर अपना घर बना, लाकर अपना घर बना। न दकवी की मात्रा दी या, क्या हो गया? नदिया। त ट तट, त का तट, त ट तट, बहा बह, करा कर आ, क्या हो गया? नदिया तट तट बहकर आ। शकुनी की मात्रा शी, व म, क्या हो गया? शिवम, शिवम आ। गकुई की मात्रा घी, टकुआ की मात्रा ट, रा गिटार, ब जकुआ की मात्रा ज, क्या हो गया? बजा। पार्ट तीन क्या है बच्चों? दिन निकला रवि आया, किरण आ कमल खिला, चिड़िया तिनका तिनका ला, लाकर अपना घर बना, नदिया तट तक बहकर आ, शिवमा गिटार बजा। तो ये क्या है बच्चों? पार्ट तीन है। यहाँ पर चित्र में देखो, ये लड़के का नाम शिवम है। लड़के का नाम क्या है? शिवम। ये लड़के के हाथ में क्या है? गिटार है। लड़के के हाथ में क्या है? गिटार है। यहाँ पर देखो, किरण आ कमल खिला, यहाँ पर सूरज की किरणें आ रही ना, सूरज की किरणें आने से क्या खिले? यहाँ पर सूरज की किरणें आने से कमल खिले बच्चों।
घास के छोटे छोटे तिनके, लकड़ी के घास के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आ, लेकर आके क्या बना, अपना घर बना। घर में चिड़िया का घर क्या है यहाँ पर, घोंसला। नदियां तट तक बहकर आ, नदियां कहाँ तक बहकर आ, देखो ये लड़के के पास कॉर्नर दिखाई दे रहा, बैंक, तो ये यहाँ पर किनारा, किनारा तक बहकर आ। शिवा माँ गिटार बजा, शिवा माँ क्या बजा, गिटार बजा। दिन निकला रवि आया, किरण आ कमल खिला, चिड़िया तिनका तिनका ला, लाकर अपना घर बना। नदियां तट तक बहकर आ, शिवा माँ गिटार बजा। ये हो गया पार्ट तीन। इसका अभ्यास क्या है देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ई की मात्रा वाले शब्द है बच्चों, शब्दार्थ है। आपको आज मैं पढ़ाती, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाती बच्चों। देखो यहाँ पर शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ बोले तो क्या है बच्चों, वर्ड मीनिंग। दिन, डे, कमल, लोटस, नदिया, रिवर, रवि, सन, चिड़िया, बर्ड, तट, बैंक। दूसरे लेसन में भी तट आया था और तीसरे लेसन में भी तट है बच्चों। किरण, रेस, किरण, रे, तिनका, स्ट्रॉ, गिटार, गिटार यहाँ पर है ना बच्चों। देखो यहाँ पर नौ शब्दार्थ है, आपको ये पढ़ना है बच्चों। अगली क्लास में आपको मैं कैसा लिखना है आपको समझाती बच्चों। आज आप कॉपी में परसों ई की मात्रा वाले अक्षर लिखा है, आज ई की मात्रा वाला पार्ट यहाँ पर लिखिए बच्चों। आपको क्लास वर्क में कॉपी कर लेना है, सबके पास स्मार्ट बुक है ना बच्चों, तो आप लोग लिख लेना है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।